Be positive. दोस्तों, जिंदगी में अच्छी सेहत रखने के लिए आप सुबह बहुत से विटामिन खाते हैं, ए खाते हैं, ई खाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक अच्छी सेहत के लिए सबसे बड़ा विटामिन, सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? वो है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव विटामिन नहीं दोस्तों, बी पॉजिटिव एक एटीट्यूड है। जिंदगी में अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। पॉजिटिव सोचने से आप एक बैलेंस्ड इंसान रहते हैं, पीसफुल इंसान रहते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता पाते हैं, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सारा का सारा काम करते हैं। अब मन में सवाल ये ज़रूर आएगा कि ये विटामिन मैं खाऊं कैसे? कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी बी पॉजिटिव, इस पॉजिटिव तरीके से जीऊं कैसे? उसके लिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रोककर उसका उल्टा सोचना होगा। जैसे आप जानते हैं दिन का उल्टा है रात, काले का उल्टा है सफ़ेद, बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव थॉट का उल्टा है पॉजिटिव थॉट। तो जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, एकदम से उसका उल्टा सोचिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप ये कर सकते हैं कि एक रबर बैंड, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, हल्का सा रबर बैंड हो, उसको आप अपनी हथेली पे बांध लीजिए। अब क्या है, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, देखिए सच्चाई से कीजिएगा, इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी, आप अपने को सुधार रहे हैं, इसीलिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपने ये लॉयल्टी के साथ काम करना है। क्या कि आपने रबर बैंड डाल लिया, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए आपने ज़ोर से उस रबर बैंड को खींचना है। जैसे ही रबर बैंड को खींचेंगे आपकी कलाई पे दर्द होगा, क्योंकि रबर बैंड आपको लगेगा। जैसे ही दर्द होगा आपका दिमाग एकदम उस दर्द की तरफ जाएगा और नेगेटिव थॉट कहाँ छूट गया आपको मालूम भी नहीं चलेगा। यानी कि आपके पास बहुत से तरीके हैं नेगेटिव थॉट को हटाने के, या उसका उल्टा सोचने के, या उसको वहीं रोकने के। दूसरी चीज़, नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव तस्वीरें बनाने लगते हैं, और इंसान का ब्रेन एक तस्वीर को स्टोर करके रख लेता है। जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो वो तस्वीर खुद ब खुद आपके सामने आएगी और आप कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाएंगे। इसीलिए विजुलाइज़ कीजिए, तस्वीरें बनाइए जो पॉजिटिव हों। आपको अगर लगता भी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो ये मत कहिए मैं नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं मैं कोशिश करूँगा। कि जब आप कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करने की तस्वीरें बनाते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको सफलता की तरफ ज़रूर ले जाती है। तो दूसरी चीज़ है पॉजिटिव। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, लोगों के बीच उठना बैठना बंद कर देते हैं, और अगर कोई मिलता भी है तो उसे अपना दुखड़ा सुनाने में लग जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों, आपको नेगेटिव बातों के ऊपर नेगेटिव ही एडवाइस मिलनी शुरू हो जाती है। तो कॉन्शियसली आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपनी संगति पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, ताकि वो आपको दुख सुख में पॉजिटिव एडवाइस दें और आप एक पॉजिटिव इंसान बनें। क्योंकि जैसे आप संगति रखते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस आपके आसपास फैलेंगी, वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। तो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। दूसरा, हम नेगेटिव होते क्यों हैं? नेगेटिव हम तब होते हैं जब अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, सरकमस्टांसेस को कंपेयर करने लगते हैं लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान दूसरे सा नहीं होता, किसी में कुछ अच्छा होता है तो किसी में कुछ बुरा होता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप हमेशा आसपास देखिए, ये सोचने की जगह कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आसपास देखिए तो आप पाएंगे कि आपके पास तो बहुत कुछ है। अगर आप कहते हैं मेरे पास गाड़ी नहीं, साइकिल नहीं, तो आसपास देखिए लोगों के पास तो पैर भी नहीं। जब आप आसपास अपने देखेंगे तो पाएंगे कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है जो शायद औरों के पास भी नहीं है। जब आपने कृतज्ञता की भावना आएगी, ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी, तो आप खुद ब खुद जो है पॉजिटिविटी की तरफ चलते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि कई बार आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, अपने आप से बात करनी पड़ती है। आप खुद से कहिए मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ। खुद को आप एक पॉजिटिव बातें जो है मोटिवेट करने के लिए खुद को फीड कीजिए, और छोटे छोटे पन्नों के ऊपर पॉजिटिव चीज़ें लिखकर अपने बारे में, सिचुएशंस के बारे में अपने आसपास रखिए,
आप अपने जहाँ ब्रश करते हैं आईने के सामने टांग दीजिए, गाड़ी में डैशबोर्ड पे रख दीजिए, ताकि हर दम आपकी आंखें उन पॉजिटिव शब्दों के ऊपर से गुजरती रहें। दिन की शुरुआत पॉजिटिवली करें। सुबह उठे कहें आज बहुत खूबसूरत दिन है, पॉजिटिव दिन है, आज का दिन मेरा बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ये मत सोचिए कि अब मैं उठ रहा हूँ क्या करूँगा कैसे करूँगा। नॉर्मली मंडे शुरू होते हैं और लोगों की नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, संडे होता है तो सब बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन काम करने को नहीं होता। लेकिन सब दिन एक से होने चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आपने जीना है। और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जिसको हम बोलते हैं एंट्स को दिमाग में मत घुसने दीजिए। ये करूँगा तो ये होगा, ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, चीज़ें हुई नहीं हैं, पहले से ही आप प्रिडिक्शन करने लगते हैं कि ये चीज़ें होंगी, तो जब आप वही चीज़ें देखते हैं दिमाग में तो वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को हटाइए अपने दिमाग से, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और हमेशा प्रेजेंट टेंस में भगवान का या लोगों का शुक्र अदा कीजिए। आप ये कह सकते हैं थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी सो पॉजिटिव, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी सो सक्सेसफुल। कल सुबह जब आप अपना नाश्ता करें, अपने आप घर अपने अपने बिस्तरे से उठें, घर से बाहर निकलें, तो ये विटामिन लेना मत भूलिएगा। विटामिन का नाम है बी पॉजिटिव।